के वॉज द सिंगर के जिसे कहते हैं ना, जिनके साथ हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज जुड़ी हुई थी। इंडियन इंडस्ट्री का, पंजाबी म्यूज़िक का एक बहुत बड़ा नाम चला गया जो कि ऐसे म्यूज़िक बनाता था जो कि असल रियल लाइफ बेस पे डिपेंड करते थे। लेकिन पहला जो मेरा शक था ना, वो यहीं पे गया कि यार कॉन्ट्रोवर्सी हो सकती है, हो सकता कोई दुश्मनी हो, कुछ जो बंदा फेम पे चला जाए उसको नीचे लाने के लिए ऐसी हरकत की जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज शाहरुख एंड यू आर वाचिंग द हॉरिफाइड स्पीक्स। गाइस, आज की जो न्यूज़ है वो भी थोड़ी सी सैडनिंग है। इंडिया से बैक टू बैक हमें दो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स की खबर मिली है। एक पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री, सिद्धू मूसेवाला की इस तरह कत्ल कर दिया गया उनका, और उसके राइट आफ्टर टू डेज़ के जो के बॉलीवुड के मशहूर तरीन सिंगर थे, कहना चाहें अगर उनको मशहूर तरीन सिंगर तो वो भी गलत नहीं है, उनकी भी डेथ हो गई है। उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ था, ही वॉज परफॉर्मिंग इन अ कॉन्सर्ट इन कोलकाता। तो राइट आफ्टर दैट, जैसे ही वो अपने होटल रूम में वापस आए हैं, उनको हार्ट अटैक हुआ है एंड ही लॉस्ट हिज लाइफ। और इंडिया और बॉलीवुड को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का नुकसान हुआ है। तो यही मेरा आज का टॉपिक है कि इंडिया को बैक टू बैक इस तरह का लॉस होना म्यूज़िक इंडस्ट्री से, एक पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री और एक बॉलीवुड म्यूज़िक इंडस्ट्री, इतना बड़ा लॉस इंडिया की तरफ से। तो यही मेरा आज का क्वेश्चन है और यही इन्फॉर्मेशन है। इसी से रिलेटेड मैं एक दो क्वेश्चन करूँगी, चलते हैं यहाँ पर लोगों के पास, तो पूछते हैं उनका रिएक्शन। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? ज़ैन अहमद। और क्या करते हो? मैं BBIS कर रहा हूँ UMT से। सॉन्ग्स वगैरह तो बॉलीवुड के सुने होंगे, राइट? बिल्कुल जी। फर्स्ट फॉर सिद्धू मूसेवाला, उनकी किलिंग हमारे सामने आई, और सेकंड KK, बॉलीवुड का सबसे बड़ा अगर वॉइस जिनको कहें तो वो गलत नहीं है, उनकी भी डेथ हो गई और कार्डियक अरेस्ट उनको हुआ था। तो क्या आपकी रिएक्शन है? आप एज अ म्यूज़िक लवर जो मौसीकी के शौकीन होते हैं, उनके लिए तो बिल्कुल ही अफसोस की खबर है। सबसे पहले तो अगर मैं सिद्धू मूसेवाले की बात करूं तो उनकी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी फैमिली है, ठीक है, जो अब बहुत ज़्यादा सपोर्टर्स हैं, और उनकी डेथ एक बहुत शॉकिंग थी, नॉर्मल डेथ नहीं थी, जो एक बहुत शॉकिंग मर्डर था। KK वॉज द सिंगर के जिसे कहते हैं ना, जिनके साथ हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज जुड़ी हुई थी। मतलब ये सारे जितने भी सॉफ्ट गाने, मैं बेसिकली खुद एक सॉफ्ट गानों का शौकीन हूँ, जस्ट लाइक उनके गाने थे, तू ही मेरी शब है सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तू ही मेरा रब है जहाँ है, तू ही मेरी दुनिया। ये वाले सारे गाने एक जब भी सुनते थे एक मेमोरीज याद आते थे कि यार चाइल्डहुड बचपन की मेमोरीज जुड़ी हुई थी। तो मुझे जब एकदम पता लगा तो मुझे तो मतलब एट द फर्स्ट मोमेंट मुझे यकीन ही ना आया कि ये हुआ क्या है। मतलब कि एज भी कोई नहीं थी वैसे, और 53 तो मतलब आई वाज ट्रेमेंडसली शॉक्ड अबाउट दैट कि ये हुआ क्या है। आपने KK की बात की तो सुनता था, बिल्कुल मैं सुनता था, हमारे क्या कहते हैं बचपन की यादें जुड़े हुए हैं उनके तो गानों से, क्या कहें, मतलब बहुत मेमोरीज मतलब जुड़े हुए हैं। इंडियन इंडस्ट्री का, पंजाबी म्यूज़िक का एक बहुत बड़ा नाम चला गया जो कि ऐसे म्यूज़िक बनाता था जो कि असल रियल लाइफ बेस पे डिपेंड करते होते थे। नो डाउट उसने मतलब क्लास के गाने दिए हैं बॉलीवुड को, दिए हैं मतलब जो मौसीकी के शौकीन हैं उनको भी, मतलब तो इट्स अ बिग लॉस, यू कैन से इट्स अ बिग लॉस, चाहे इंडियन या पाकिस्तान। और फिर जिसे कहते हैं ना, हमने वो सारे उनके गाने रिहर्स एक दफ़ा दोबारा रिमेंबर किए कि यार ये किस तरह गाने, मतलब नॉस्टैल्जिया हुआ आपको? नॉस्टैल्जिया हुआ, और मतलब ये एक जो गाना था दिल इबादत कर रहा है धड़कने मेरी, सुन तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। व्हाट अ सॉफ्ट सॉन्ग, और मतलब अमेजिंग। तो जैसे कहते हैं ना, वो मुझे सोच के मतलब काफ़ी ज़्यादा, जैसे कहते थोड़ा ट्रॉमे में भी गया, और थोड़ा सा ना मुझे मतलब वो नॉस्टैल्जिया वो वाला सीन हुआ, तो यार बेसिकली मुझे दिल से अफसोस हुआ। वो हमें सुनते हैं, हम उनको सुनते हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान के सिंगर्स हैं वहाँ उनको शौक से सुना जाता है, उसी तरह हम भी उनको सुनते हैं, तो वी आर वेरी सैड। KK मोदी की बात करूँ तो मैं बचपन से उनके गाने सुनता आ रहा हूँ, ठीक है, मैंने उनके काफ़ी सॉन्ग सुने हैं, ठीक है, ऑब्वियसली उन्होंने काफ़ी काम किया जो कि आई थिंक मैंने बहुत सुना है। सैड न्यूज़ थी ये, ऑब्वियसली अभी तक यकीन नहीं आ रहा। अच्छा, कहा ये जा रहा है कि मैंने लास्ट वो एक्चुअली कह रहे थे कॉन्सर्ट
कोलकाता में उनका कॉन्सर्ट था, तो वहीं पे कॉन्सर्ट की ड्यूरिंग उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई है और वो जैसे अपने होटल रूम पहुँचे हैं वहाँ पे उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है एंड ही लॉस्ट हिज लाइफ। तो कहा यह जा रहा है कि वहाँ पे मिसमैनेजमेंट काफ़ी थी, एसी वगैरह नहीं थे और गर्मी की वजह से शायद उनका दम घुटा है, इस तरह करके कुछ हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि ये कॉन्ट्रोवर्सी थी या उनकी कोई नेचुरल डेथ थी, क्या लगता है आपको? हमारा सारा 90s जो हम बड़े हुए हैं, मुझे नहीं पता आपका, मेरा खैर बचपन 90s का था और आई हैव ग्रोन अप उनके गाने सुन सुन के। बिल्कुल, मैंने सुने हैं उनके गाने, सब सुनते हैं और अभी भी मैं सुनता हूँ। जब फर्स्ट पे मैंने सुना कि मतलब इस तरह का केस हुआ है तो मुझे जरा पहला मेरा जो शक था ना वो इसी तरफ गया कि ये कोई कंट्रोवर्सी है, मतलब ना ये मतलब हो नहीं सकता कि मतलब कि एकदम से मतलब ये खबर आई कि के और मतलब उनकी कोई एज वगैरह नहीं थी। इंडिया की तरफ से दो सैड इंसिडेंट्स हमारे सामने आए, द किलिंग ऑफ सिद्धू मूसेवाला, वो पंजाबी इंडस्ट्री के सबसे बड़े अगर सिंगर और रैपर उन्हें कहा जाए तो गलत नहीं है, उनका लॉस और साथ ही के का लॉस इस तरह बॉलीवुड इंडस्ट्री से। तो पूरे इंडिया की तरफ से दो इतने बड़े बड़े सिंगर्स का एक साथ जाना कितना बड़ा लॉस था। उनके डॉक्टर्स ने भी कहा कि इनको इस तरह का कोई मसला नहीं था, तो मुझे मतलब मेरा शक वहीं पे गया। लेकिन ना जिस तरह कुछ ना प्रीवियसली इंडिया के अंदर और मतलब आजकल ना एक डेथ एक अनप्रडिक्टेबल चीज़ हो चुकी है, आपने सुना होगा बिग बॉस 13 के मेंबर थे सरदार शुक्ला, तो मतलब जब से मैंने उनकी डेथ देखी है ना मतलब ही वो सच अ फिट गाय, और मतलब मैंने कहा यार डेथ अनप्रडिक्टेबल है, तो उस हिसाब से मैंने कहा शायद हो सकता है ये भी बात सही हो कि कार्डियक अरेस्ट ही हुआ हो। लेकिन पहला जो मेरा शक था ना वो यहीं पर गया कि यार कॉन्ट्रोवर्सी हो सकती है, हो सकता है कोई दुश्मनी हो, कुछ जो बंदा फेम पे चला जाए उसको नीचे लाने के लिए ऐसी हरकत की जा सकती है। वी कैन से कि मतलब जो बॉलीवुड है इससे एक बड़ा सा झटका लगा है। अगर सिद्धू मूसेवाले का अगर मैं कहूँ तो डेफिनेटली उसने मतलब सिर्फ गाने नहीं उसने मतलब लोगों के हकूक के लिए भी बात किया है, तो काफ़ी बड़ा लॉस है। और उसने पंजाबी लैंग्वेज के लिए भी काफ़ी काम किया था, उसने अच्छे गाने दिए हैं, मतलब उसके गानों में मतलब आपको क्या कहते हैं मुजम्मत नज़र आता था जिसने उसने जिस तरह के सॉन्ग उसने रिलीज़ किए हैं। तो यही हुआ है दो दिन पहले सिद्धू मूसे के की डेथ से, दो दिन पहले सिद्धू मूसेवाला की किलिंग ऐसे हुई है। तो एक पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का इतना बड़ा नाम और बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री का इतना बड़ा नाम, वो बैक टू बैक गए हैं, तो ये ना ये पाकिस्तान के लिए बहुत शॉकिंग है ये, क्योंकि हम उनको सुनते हैं प्रॉपर। और बेसिकली इनके सबसे बड़ी बात है कि शॉकिंग ज़्यादा इसलिए लगे कि गैप बहुत कम आया बीच में, वन डे गैप था, तो वो जिसे कहते हैं ना जो हमारी ऑडियंस थी उसके लिए डाइजेस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। हुआ क्या है मतलब एकदम से ना मूव हो गए सारे कि यार एकदम क्या हो गया। वो सिंगर्स थे, ये वो सेलिब्रिटीज़ थे जो वो सिर्फ ना सिर्फ इनका इंडिया में फेम था, इनफैक्ट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इनको सुना जाता था। एग्जैक्टली। और के की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली उसके जो मतलब जो भी गाना उसने गाया है जिस फिल्म में वो फिल्म हिट हुआ हुआ है, गाने हिट हुए हुए हैं, तो आई कैन से मतलब ये बहुत ही बड़ा झटका और सैड मोमेंट है। और ख़ासकर जो सिद्धू मूसेवाला बेसिकली उनके साथ तो एक ट्रेजिक वो तो सबके सामने वायरल हो गई ना चीज़ कि हाउ ही इज़ किल्ड, ब्रूटली किल्ड ही इज़, तो मतलब एक आम बंदा भी जो उसको नहीं जानता होगा ना आई थिंक डेथ के बाद उसके और ज़्यादा फैंस बढ़े हैं कि मतलब उन्होंने देखा कि किस तरीके से जुल्म किया गया है। दैट वॉज रियली मतलब हार्ट ओवर मैम, मतलब जैसे कहता ना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। पाकिस्तानी लोगों के आपने रिएक्शंस देखे हैं, के ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फैंस थे, और बीइंग माई सेल्फ बीइंग मी, मैं भी उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी, मतलब हम सब का बचपन गुजरा है, हम सब का उनके साथ चाइल्डहुड मेमोरीज जुड़ी हैं, चाइल्डहुड हो या हमारी टीनेज मेमोरीज जो हैं वो उनके साथ जुड़ी हैं, तो बहुत नॉस्टैल्जिया एक फील होता है हमेशा उनकी आवाज़ सुन के, उनके सॉन्ग्स वगैरह सुन के। तो उनकी डेथ का इस तरह सामने आना तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग था फॉर मी एज़ वेल, और जैसे कि आपने लोगों के रिएक्शन देखे हैं उनके लिए भी। तो एनीवे, ये थी आज की वीडियो। आप बताएं आप लोग के कितने बड़े फ़ैन थे, उनका कौन सा ऐसा सॉन्ग है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो नीचे मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो एट दी एंड वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।